देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईना तेरा मंदिर बन जाए। भारत के इतिहास की बात करें तो हमारा देश धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति ब्रह्मांड की सबसे पुरानी संस्कृति में से एक है। भारत के ऋषि मुनियों ने हमें विरासत में अनेकों धर्म ग्रंथ व विद्याएं प्रदान की हैं, जिसमें ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा जैसी मुख्य विद्याएं हैं। भारत में तमाम साधु संन्यासी ज्योतिषों ने जन्म लिया। इसी क्रम में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में ज्योतिषाचार्य डॉक्टर किरण आचार्य जी हैं। डॉक्टर किरण आचार्य जी ने साई बाबा के जीवन से प्रेरणा लेते हुए बाबा की परोपकार, उदारता व सेवा भाव से समाज में साईं बाबा के संदेश को बताने का कार्य प्रारंभ किया। फलस्वरूप डॉक्टर किरण आचार्य को साईं बाबा से असीमित शक्तियां व ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर किरण आचार्य ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर साईं बाबा के मंदिर का निर्माण करवाया और यहीं पर डॉक्टर किरण आचार्य जी साईं भक्तों को अपने ज्योतिष ज्ञान, वास्तुशास्त्र व हस्तरेखा देख मार्गदर्शन करने लगे। डॉक्टर किरण आचार्य जी के हजारों की संख्या में देश व विदेश में अनुयायी हैं, जिनको समय समय पर डॉक्टर किरण आचार्य अपनी विद्याओं द्वारा मार्गदर्शन करती रहती हैं। ओम साई नमो नमः, श्री गुरु साई नमो नमः। कहते हैं कि साई भगवान इंसानी रूप में एक ऐसे भगवान थे जिन्होंने मनुष्य रूप में जन्म लेकर के इस विश्व का कल्याण किया। आज हम बात करेंगे साई ज्योतिष संस्थान की पीठाधीश्वर डॉक्टर किरण आचार्य जी से। गुरु माँ, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके इस अनोखे सफर के बारे में। साई बाबा का जो सफर है मेरी जिंदगी का एक ऐसा अविस्मरणीय पल था। जब मैं बाबा से मिली पहली बार तो मैं पूना जा रही थी और रास्ते में मेरी गाड़ी का अचानक खराब होना और बाबा से मिलना एक अलग सी बात थी। बाबा की मर्जी थी, मैं अचानक ही कैसे पहुंच गई मुझे भी नहीं पता लगा। लेकिन उस दिन से आज करीब 30 साल हो गए हैं। 30 साल का ये जो सफ़र है, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं बाबा से अभी पहली बार मिल के आई थी, वैसा ही आज भी अनुभव होता है जिस खुशी के साथ बाबा से मिली थी। और आज उस सफ़र के नाते मैं बहुत लोगों के साथ इस सफर अपने अनुभव को, अपनी इस श्रद्धा को, अपनी इस भक्ति को, बाबा के प्यार को मैं अनेक भक्तों में बांटती रहती हूँ। और लोगों को महसूस होता है कि जैसे बाबा हमारे साथ हैं। हमको तो ऐसा लगता ही है, लेकिन जो भी भक्त बाबा से जुड़े हैं, बाबा को भी मतलब इतना चमत्कार है बाबा के कि बाबा किस तरह से बाबा मतलब ऐसा लगता है जैसे बाबा बगल में खड़े हैं और बाबा सारी बातें सुन रहे हैं। तो ये बाबा के बहुत से ऐसे चमत्कार हैं मेरे जीवन में भी और हमारे भक्तों के जीवन में भी। वर्तमान समय में जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है जी, आपके हिसाब से, आपके विज्ञान के या आपके धर्म के हिसाब से जी, क्या उसमें परिवर्तन आया है या आ सकता है वर्तमान समय में या आने वाले समय में?
देखिए उत्तर प्रदेश में जो इस वक्त स्थिति चल रही है उसमें तो स्थिरता आएगी, लेकिन 2018 में हमारा जो आने वाला समय है मार्च में कुछ नए विकास के कार्य होंगे और जो हमारी सरकार पूर्ण रूप में दिमाग लगा रही है वो भी नए नए विकास के कार्यों की ओर अग्रसर होगी। तो जुलाई से लेकर सितंबर 18 तक कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे, कुछ ऐसे मंत्री या कुछ ऐसे सदस्य होंगे हमारे मंत्रिमंडल के जिनके कुछ कारणोंवश हमारी सरकार की छवि धूमिल भी हो सकती है, जिसका विरोधी गण पूरा फायदा लेने की कोशिश करेंगे। और लेकिन उसमें फिर बाद में जीत हमारे योगी जी का वर्चस्व बढ़ेगा और योगी जी की छवि को कुछ विरोधी गण बिगाड़ने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन वो कुछ होगा नहीं, बिगड़ नहीं पाएगा। योगी जी की छवि और अच्छी होती जाएगी, कार्य भी अच्छे होंगे और योगी जी उत्तर प्रदेश के विकास की ओर पूरी उससे लगे हुए हैं और भविष्य में भी 2018 अच्छा जाएगा। आप एक रत्न शास्त्री हैं, एक रत्न विशेषज्ञ हैं और एक वास्तु शास्त्री भी हैं। तो वास्तु कला और रत्न कला कहाँ तक वर्तमान समय में या जो आने वाला समय है उसमें कहाँ तक आप ये समझते हैं कि ये जो कलाएं हैं ये रहेंगी, इनका वर्चस्व रहेगा आने वाले समय में? देखिए ये एक श्रद्धा और विश्वास की बात है कि हमारा ज्योतिष पे भरोसा कितना है। अक्सर लोग आते हैं मेरे पास, बहुत से भक्त और शिष्य लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं माँ ये कार्य मेरा होगा कि नहीं, अब कुछ करने की ओर उनका दिमाग नहीं होता, वो चाहते हैं कि एकदम से मेरे कार्य हो जाए। तो उसके लिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा जो तुम्हारे ग्रह गड़बड़ चल रहे हैं, जो महादशाएँ और अंतरदशाएँ चल रही हैं उनका स्थान हमें जान लेना चाहिए कि वो हमारे लिए जीवन में कैसी घटनाएं घटित करेंगी। तो यदि हमारा कोई ग्रह खराब है, अगर हम उसकी बहुत पूजा नहीं कर सकते हैं तो हम रत्नों के द्वारा भी उसको आसान बना सकते हैं, उसके निवारण कर सकते हैं। तो हर ग्रह के लिए अलग अलग रत्न हैं और रत्न पहनने से भी काफ़ी लाभ लोगों को, जो पूजा नहीं कर सकते हैं, जो उसका शांति पाठ नहीं करवा सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए रत्नों का पहनना बहुत ही लाभदायक रहता है। और व्यक्ति अपने खर्च के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से इन चीजों को धारण कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं विश्व युद्ध का दौर होना जा रहा है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में आज एक दूसरे से एक कंपटीशन का दौर है। हम जानना चाहेंगे हमारी गुरु माँ से कि भारत और पाकिस्तान हमेशा से एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स रहे हैं, पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश करी है भारत के सामने आने की। बिल्कुल, क्या ऐसे ही रिश्ते आगे भी रहेंगे या कुछ बदलाव इनमें आएगा? देखिए जहाँ तक भारत और पाकिस्तान के संबंधों की बात है तो यदि हम ये इसकी आंतरिक बात जाने तो ज्यादा बेहतर होगा कि भारत और पाकिस्तान की राशियाँ क्या, क्योंकि हम एक ज्योतिषी हैं और ज्योतिष के आधार पर ही हम इस चीज़ को भी देखते हैं। तो जो भारत है हमारा, भारत का एक्चुअल जन्म तिथि तो किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जब जिस दिन से स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई, जिस दिन से भारत एक गणतंत्र राज्य बना, देश बना, तो उस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 15 अगस्त 1947 में भारत का जन्म हुआ। और 15 तारीख का मतलब है 6 का अंक, और 6 जो अंक है वो हमारे शुक्र का अंक माना जाता है। इसी तरह अगर हम 15/8/1947 को जोड़ते हैं तो इसका टोटल जो नंबर है वो 8 आता है, जो एक शनि का अंक है। और शनि किस तरीके का व्यवहार करता है, क्या होता है, ये हम आपको बताते हैं। इसी तरह हम अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान का जो जन्म है वो हम उसकी तारीख 14/8/1947 है और उसका जो मूलांक है वो 5 है। 5 का अंक जो है बुध का अंक होता है, बुध एक नपुंसक ग्रह है। और अगर उसका टोटल नंबर देखें कि 14 अगस्त 1947 तो ये टोटल मिला के 7 होता है, टोटल मिला के 7 नंबर होता है, जो केतु का अंक है। केतु एक इस तरह का ग्रह है कि जो वाद विवाद और इस तरह की चीजें, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान है वो कभी भी भारत की कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा, हमेशा नए नए विवाद, नई नई चीजें, नई नए रोड़े अटकाता है। और वो इस तरह का उसका नेचर ही है, क्योंकि राशि का, जन्म का राशि का प्रभाव जाता नहीं है।
तो जो ये हमारा पाकिस्तान है उसका नेचर ही इस तरह का है कि वो कभी भी भारत की बात को मानने के लिए एग्री नहीं होगा। और भारत है तो भारत की जो मूलांक है वो हमारा शुक्र का है, शुक्र हमेशा प्रभावी रहता है, लेकिन साथ में हमारा जो भाग्यांक है वो आठ है। आठ नंबर हमारा शनि का नंबर है, जो कि शनि हमारे वाद विवाद झगड़े फसाद ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन लास्ट में जो शुक्र है, जो हमारा छः नंबर है, शुक्र का नंबर है, वो हमारा शुक्र ग्रह सब पर भारी होगा और भारत विश्व विजयी होकर विश्व पटल पर उभरेगा। और पाकिस्तान से न कभी उसकी बनी है न कभी बन पाएगी किसी भी तरीके की। ये बहुत कोई सुलह की कोशिशें भी की जाएंगी लेकिन पाकिस्तान कभी मानने वाला नहीं। सरलता में ही संतुष्टि पाई जाती है, यही कहना था हमारी आज के मेहमान श्री डॉक्टर किरण आचार्य जी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरु माँ। तो देखा आपने, हम आपके लिए इसी तरीके के अच्छे अच्छे लोग को आपके सामने लाते रहेंगे ताकि आपके आपके मनस पटल में जो ये पर्दा पड़ा हुआ है ये हट सके। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ दीक्षा चौधरी, खबरों की दुनिया, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल केकेडी न्यूज़ और हमारी वीडियो अपडेट्स के लिए दबाएं बेल आइकन।